बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं नाचीज़ उनज़ला इरफ़ान आप लोगों को एक बार फिर रमज़ान करीम की ख़ुसूसी इफ़्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ान करीम का महीना शुरू हो चुका है और हर शख्स ही अपने अपने तरीक़े से अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटने में मशरूफ़ अमल है। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है ज़कात, सदक़ा और खैरात। नाज़रीन कराम, हम देखते हैं कि कुरान मजीद में हमें ज़कात अदा करने का जिक्र बार बार मिलता है और नमाज के साथ ज़कात अदा करने का जिक्र बार बार मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ये फरमाता है, वाकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और इसके साथ ही हदीस मुबारका में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सदक़ा कसरत से अदा करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि बिलाशुबा सदका अदा करना अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कब अदा की जानी चाहिए, सदक़े और खैरात में क्या फ़र्क है। वैसे तो ज़कात एक ऐसी चीज़ है जो कि हम साल भर में कभी भी अदा कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की ये कोशिश होती है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है जब अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाजिल हो रही होती हैं और हर नेकी का जो अजर है वो 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही ज़कात अदा की जाए। हमारे साथ आज की नशस्त में उलमाए कराम मौजूद होंगे, जिनमें सबसे पहले अलामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम। साथ तशरीफ़ फरमा है पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब, अस्सलामु अलैकुम। और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर महनूर रियाज खान, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम महनूर, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, डिस्कशन की तरफ भी चलते हैं, लेकिन इससे पहले फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद हैं किचन में। फ़ाइज़ा से पहले एक दफ़ा जान लेते हैं कि फ़ाइज़ा आज की रेसिपी में क्या है। अभी आप मुझे बता रही थी कि पास्ता बना रही हैं, पास्ता के साथ साथ क्या शामिल है और क्या क्या बना रही हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक फ़ाइज़ा। अच्छा, आज जो है ना वो हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रहे हैं, और जैसे कि कल भी हमने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी और आज भी हम सबरूसों के चिकन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो चीज़ी पास्ता बनाएंगे, चिकन चीज़ी पास्ता बनाएंगे, और साथ में हम एक बहुत ही क्विक डिज़र्ट बनाएंगे और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा हम पीनट बटर शेक बनाएंगे। तो मैं इंग्रेडिएंट्स को शेयर करते हुए साथ साथ इसकी कुकिंग कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले 4 टेबलस्पून डालडा का कुकिंग ऑयल है, और डालडा का कुकिंग ऑयल जो है माओं का 70 साल से भरोसा जो है ना वो डालडा पे है, और हम डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हुए आज हम बहुत ही मज़े का चिकन चीज़ी पास्ता बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल था, और इसके अंदर मैं तकरीबन एक छोटा प्याज, मीडियम जो है ना वो अनियन चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी। तो जब तक हमारे पास से अनियन सॉटे हो रहा है, मैं आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून के करीब जो है ना वो चॉप्ड गार्लिक है, 1 कैप्सिकम है मेरे पास, 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर है, अब चाहें तो वाइट पेपर का यूज़ भी कर सकती हैं, 2 टेबलस्पून मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस है, 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, और मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर है, 4 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे केचप है, 1 टीस्पून के करीब मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, 1 कप के करीब मेरे पास यहाँ पे चिकन स्टॉक है, और 1 kg सबरूसों का बोनलेस चिकन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, और यहाँ पे मेरे जो है वो अनियन सौते होने में थोड़ा सा टाइम है। जैसे से ये सौते हो रहे हैं तब तक मैं आपके साथ अपनी वाइट सॉस की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। वाइट सॉस की रेसिपी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 कप दूध है, और इसी के अंदर मैंने चिकन स्टॉक ऐड कर दिया था 1 कप के करीब। 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास जो है ना वो फ्लावर है, 50 ग्राम मेरे पास बटर है इसमें, और मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर है, सॉल्ट एंड पेपर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट है। तो यहाँ पे अनियन जो है वो सौते होना शुरू हो गए हैं, जैसे ये सौते होंगे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, 1 से 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें गार्लिक ऐड कर रही हूँ। अच्छा, गार्लिक पेस्ट मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, मैं इसमें गार्लिक का ऐड करूँगी, गार्लिक सॉरी चॉप ऐड करूँगी।
और जैसे ही ये भी सौते होगा तो हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस को डालना शुरू करेंगे। ब्लैक पेपर क्वांटिटी मैंने आपको मेंशन कर दी है, 2 टेबलस्पून के करीब वॉर्सटरशायर सॉस, लाल मिर्च का पाउडर, फोट केचप हम इसमें ऐड करेंगे। केचप मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में बता दूं कि केचप बहुत मीठा इस्तेमाल ना कीजिएगा, लेकिन क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपकी पास्ता की रेड सॉस है वो बहुत मीठी बनेगी। और इसमें हम डाल रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो बहुत सी कंपनीज़ के हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और साथ में मेरे पास यहाँ पे विनेगर है वो भी ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की रेड सॉस तैयार हो रही है। जब तक मैं रेड सॉस तैयार कर रही हूँ जिला, आपको इसकी जो है ना मज़े की खुशबू इंजॉय करें। जी बिल्कुल फायज़ा, इसको हम आगे भी आपसे रेसिपी जानते हैं कि आप मुकम्मल किस तरह से कर रही हैं और हमारे पास आज के अफ्तार में मेन्यू क्या क्या है। हम अपने मौजू की जानब बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने आगाज़ में बताया कि हम ज़कात, सदक़ा और खैरात के बारे में आज बात करेंगे और ये जानेंगे कि ज़कात कब फ़र्ज़ है, किस पर फ़र्ज़ है और हमारे दीन में इसकी क्या अहमियत बयान की गई है। नाज़रीन कराम, वैसे हमारा जो दीन है एक बहुत ही ख़ूबसूरत दीन है और इसमें हर किसी के लिए आसानी पैदा की गई है। ज़कात भी एक ऐसी चीज़ है जिसको अदा करने से हम उन अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रख रहे होते हैं जो कि साहिब हैसियत नहीं होते, ज़रूरतमंद होते हैं, उनका ख्याल किया जा रहा होता है। तो डिस्कशन के जाने बढ़ते हैं। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। अलामा साहब, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, कब फ़र्ज़ होती है और इसको अदा करने के क्या हमें फ़ज़ाइल बताए गए हैं और कौन हकदार होता है ज़कात लेने का। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آله قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة وآتوا الزكاة। ناظرین کرام, خداوند متعال نے قرآن مجید میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر دو چیزوں کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے। जहाँ पर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म दिया है उसके साथ साथ ही ज़कात का हुक्म दिया है। इसी तरह खालिक के कायनात ने कुरान मजीद में जहाँ पे अपनी ज़ात का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है, वहीं पे साथ अपने वालदैन का भी शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। तो नमाज और ज़कात ये दोनों चीज़ें लाजम व मलज़ूम हैं। यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि अगर कोई शख्स ज़कात अदा नहीं कर रहा और वो नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज को रोके रखा जाता है जब तक, जब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो अगर वो ज़कात अदा कर दे तो उसकी नमाज जो है वो कबूलियत के मकाम तक पहुँचती है। अगर वो ज़कात अदा नहीं करता तो खाला के लम यज़ल उसकी नमाज को भी उसके मुँह पर दे मारता है। अब पहली बात यह है सवाल में, क्योंकि चंद सवाल इकट्ठे ये हो गए हैं, तो पहला सवाल जो है वो आपका कि जी ज़कात किन लोगों पर वाजिब है। ज़कात के वजूब और वाजिब होने के लिए निसाब ज़कात है। जो चीज़ें 9 चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में ज़कात वाजिब होती है, बाकी तो तमाम आलम इस्लाम में यूं ही है, लेकिन एक चीज़ पाके चल के मैं वजाहत करूंगा। जी जी ज़रूर। जी कि वो क्या है, सोना है, चांदी है, जौ है, गंदम है, किशमिश है, खजूर है, गाय भेड़ बकरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके ऊपर ज़कात जब वो निसाब को पहुंच जाए तो फिर है। निसाब एक मुअय्यन किया गया है, गंदम और जौ का निसाब अलग है, इसी तरह बाकी चीज़ जो हैं वह उनका। अब हमारे इधर पाकिस्तान में क्योंकि खजूर इतनी कसरत में नहीं होती, बिल्कुल, इस वजह से। और इसी तरह सोना और चांदी जो है वो कौन सा है जिसके ऊपर ज़कात आया, जेवर पे आया या नहीं है, ये सारे टॉपिक अलग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता दामन वक्त में कितनी गुंजाइश है। तो बहरहाल इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो गंदम के ऊपर ज़कात वाजिब होती है, जौ पे ज़कात वाजिब होती है, फिर इनका निसाब है कितना होना चाहिए उसके ऊपर वाजिब, कितना हो तो फिर वाजिब होती है। और ज़िंदगी में यानी साल के बाद एक मरतबा, जैसे ही आपने गंदम काश की एक मरतबा देना वाजिब है जिस वक्त वो गंदम हो रही है। सोना और चांदी कौन सा है, सिक्कादार सोना और चांदी, जेवर जो है वो नहीं, सिक्कादार सोने और चांदी के ऊपर ज़कात वाजिब है।
यहाँ पे मैं एक बात और अर्ज करता चलूँगा, जो मैंने कहा मैं आगे जा कर अर्ज करूँगा, वो ये है कि हमारे यहाँ बाज़ लोग हमें जो हम मज़हब तशय्यो पे अमल करने वाले हैं एतराज़ भी करते हैं कि शिया ज़कात नहीं देते। अच्छा। हाँ जी, हमारे यहाँ ज़कात का मुनकर और इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। जिस तरह नमाज फ़र्ज है इसी तरह रोज़ और ज़कात फ़र्ज है। लेकिन ये बोहतान या इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है, उसकी वजह यह है कि जिस वक़्त हमारे पाकिस्तान में यानी सदर ज़ियाउल हक साहब ने, जनरल सदर ज़ियाउल हक साहब ने ये ज़कात वाजिब करार दी थी कि हर बंदा ज़कात अदा करे, तो बैंकों से ज़कात की कटौती होती थी। उस वक़्त हमने कहा जी कि हम ये इस पैसे के ऊपर ज़कात, क्योंकि शरी तौर पर नहीं है, तो उस वक्त कहा गया जी कि आप हमें जो है वो एक एफिडेविट दे दिया करें। वो दिया जाता था तो बेहमदिल्ला अब तो सारे मुसलमान ही वो देते हैं, अब हम अकेले नहीं रह गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है कि ज़कात जो है वो बेसिक असल ज़र के ऊपर है। हमारे पास जो पैसा है ना, ये नोट जो है, ये हमारा असल ज़र नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये हुकूमत के ज़र ज़मानत से जितने आपके जनाब अली पाकिस्तान के अंदर आपके मुल्क के अंदर ज़कात उसके ऊपर ये ज़कात दिया हो जाता इतना होता है। तो इस वजह से फिर इसका कहा जाता है, हम कहते हैं कि गंदों पे ज़कात है, सोने पे है, चांदी पे है, लेकिन इस कागज़ के नोट पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ये असल ज़र नहीं है। फिर बाज़ लोग कहते हैं जी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो थी, बिल्कुल थी, उस वक़्त करेंसी ये कागज़ नहीं था, उस वक़्त करेंसी होती थी दिरहम जो हैं वो होते थे चांदी के, दीनार होते थे सोने के। सोना और चांदी खुद जो है वो एक मालियत थी। अगर आज भी हमारे यहाँ करेंसी सोने और चांदी की राइज हो जाए तो यकीनन उसके ऊपर ज़कात का अदा करना वाजिब है। इसको बयान किया बड़ी खूबसूरती से, इस पर दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे, आपकी जानिब दोबारा आऊँगी। पीर साहब, आप इस चीज़ पर रोशनी फरमा दीजिए कि ज़कात सदक़े और खैरात में क्या डिफरेंसेस हैं। ज़कात तो फ़र्ज की गई है, लेकिन सदका भी कसरत से अदा करने पर जोर दिया गया है। हदीस मुबारका में भी बार बार इस पर जोर दिया गया है कि सदका अदा करना चाहिए, तो ज़रा इनमें बारीक बारीक से जो डिफरेंसेस हैं वो बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ज़कात जो है वो जिस तरह अल्लामा साहब ने पहले बताया, ये हमारे ऊपर वाजिब है, फ़र्ज है, और जो वाजिब होता है ये फ़र्ज़ के करीब होता है। और जो सदका है, सदका होता है इसकी दो किस्में, नफली और वाजिब। और ये जो ज़कात है ये भी वाजिब में आ जाती है, सदका है लेकिन वाजिब में आ जाता है। जो नफली सदका है वो होता है कि किसी को आपने वैसे खैर के लिए किसी कुछ देना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सदका है मुसीबतों को टालता है, बलाओं को दूर करता है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से सदका दिया। और सदका उन लोगों को दिया जाता है जो अपने से गरीब हों, यानी कि मुस्तहिक हों, ज़रूरतमंद हों। लेकिन जो नफली होता है वो आप किसी को हदिया भी कर सकते हो, हदिया नहीं किसी को, सदका जो अपनी माँ बाप वालदैन के ऊपर, नफली की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने ख़ानदान के ऊपर भी खर्च करें तो ये भी इबादत में आता है, इबादत में आता है। और नफली सदक़े से अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि जो लोग सदका देते हैं वो सबसे पहले अपने घर वालों को दें, अजीज़ व अकारब को दें, यानी जो पहले हकदार हैं वो घर वाले, आपके रिश्तेदार और अजीज़ व अकारब हैं। फिर सब दोबारा इस पर आते हैं क्योंकि अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, हमें ब्रेक पर जाना है। और नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई सवालात या आपके कोई शुभात इस हवाले से हैं, इस मौजू के हवाले से हैं, तो आप कॉल करके हमें अपने सवालात लिखवा सकते हैं, नोट करवा सकते हैं, हम ज़रूर उलमाए कराम की माहिराना राय आप तक पहुंचाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे ज़कात सदक़े और खैरात के मतलब, और पीर साहब अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। पीर साहब, एक तो आप अपनी बात वहीं से मुकम्मल कीजिएगा और साथ ये भी बता दीजिए कि ज़कात अदा करने के तो बहुत से अहकाम बताए गए हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में जो ज़कात नहीं अदा करते उनके लिए क्या हुक्म दिया गया? जी, जो ज़कात नहीं देते इनके बारे में बड़ी वईद आई है अहादीस में। सबसे पहले तो यह है कि 7.5 तोला जिसके पास सोना है उसके ऊपर ज़कात है, और 52 तोला चांदी जिसके पास मौजूद है उसके ऊपर ज़कात है।
अब जो सोना पड़ा होता है हमारी ख़ास तौर पे माओ बहनों बेटियों के पास, अगर शोहर ने उनको मालिक होने का हक दे दिया है कि ये तू अपने वालदैन की तरफ से लेके आई थी या मेरे माँ बाप ने आपको दिया या मैंने खुद आपको जो जेवर बना के दिया है, अगर तो वो मालिक बना चुका है यानी कि मलका बन चुकी है, उस सूरत में वो खुद खातून जिम्मेदार है देने की भी और ना देने की भी, यानी कि देगी तो उसे ही सवाब होगा, अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं देगी तो उसे गुनाह होगा, उसमें घर के सरबराह का या खामंद का कोई कसूर नहीं होगा। सादा सा अंदाज है कि जिसके पास 1 लाख रुपया मसाल के तौर पे हो तो उसके ऊपर देखिए 2500 रुपया सर ज़कात है, 2500 रुपया 1 लाख के ऊपर ज़कात बनती है, इसको आगे आप जितना भी हिसाब करते जाएँ आगे बढ़े। फिर कुरान पाक के अंदर 82 मकामात ऐसे हैं जहाँ मुख्तलिफ अमूर के साथ ज़कात का हुक्म आया है। अगर हम अहदीस की बात करें तो मुस्लिम शरीफ की हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो ज़कात नहीं देने वाले होंगे रोज़े क़यामत वो जो सोना चांदी जो माल दौलत उन्होंने इकट्ठी की होगी वो पिघला दी जाएगी, वो आग में पिघला दी जाएगी, फिर इन लोगों को जलाने के लिए इनको अजियत पहुंचाने के लिए इनके माथे पे इनके जिस्म पे लगा दी जाएगी। अब जूँ ही वो आग उनके उस जिस्म साथ टच होगी लगेगी तो लगी रहेगी, जूँ ही मदम होगी तो फिर दोबारा वही सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। फिर ये देखिए कि बुखारी का और हदीस है कि जो जहरीले सांप हैं उनका जो माल होगा ज़कात ना देने वालों का, जहरीला सांप उनको डसेगा, उनको अपने जहर से काटेगा, तकलीफ पहुँचाएगा। और इमाम तबरानी ने भी कहा कि जो लोग जब ज़कात देने वाले नहीं, अब आज देखें हम देख कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग जो बारिश जब नहीं जब ज़कात नहीं देंगे तो अल्लाह पाक उन लोगों के ऊपर बारिश का ना होना अमल कर देंगे, बारिश उनके ऊपर नहीं होगी। हदीस पाक में आता है कि वो लोग जो ज़कात नहीं देंगे उनको बारिश नसीब वक्त पर नसीब नहीं होगी, अच्छा। लेकिन जब बारिश उनको उनको मिलेगी, बारिश अल्लाह बरसाएगा तो इस वजह से बरसाएगा कि जो उनके दरमियान जानवर रहते हैं, जो छोटे छोटे जानवर जिनको हम हसीयत नहीं देते, उन जानवरों की वजह से अल्लाह पाक बारिश नाजल फरमाता है ना ज़कात देने वाले मुआशरे के अंदर। एक और हदीस पाक है कि जब ज़कात देने वाले लोग ज़कात नहीं देंगे तो कहत पड़ जाएगा, नहुसत होगी, चीज़ों की किल्लत वाक़या हो जाएगी, और जो ज़कात देने वाले लोग हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अतरगीब व तरहीब की हदीस जिल नंबर 1 सफ़ा 307 के अंदर आता है कि जन्नत में जाने वाले 3 लोग होंगे, एक तो वो लोग हैं जो शहीद हैं, दूसरा वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं और साथ अपने मालक के साथ वफादारी निभाते हैं। ये थोड़ा सा मैं नुक्ता सिर्फ चंद सेकंड में, अब ये देखिए कि जो हम मुलाजम लोग होते हैं अगर लोग वो अल्लाह के दीन के ऊपर चलते हैं और उसके बाद अपने मालक की वफादारी करते हैं, वफादारी से मराद कि उनका जो टाइम है उसको अच्छी तरह यानी कि काम सर्व करते हैं तो वो भी लोग जनती हैं। तीसरे वो लोग हैं जो जो अपने रिजक में से लोगों को बांटने वाले होते हैं, और 3 वो लोग हैं जहन्नम में जाने वाले हैं, एक वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती हुकूमत कर लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं कि ये हुकूमत हमारी है, दूसरे वो लोग हैं जो ज़कात ना देने वाले हैं, तीसरे वो लोग हैं जो जो मुतकब्बर लोग हैं जो फ़कीर हैं लेकिन मुतकब्बर होते हैं। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक हदीस मरवी है कि जो माल अपनी से ज़कात नहीं देगा वो जहन्नमी बन जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक तिर्मिज़ी की एक और हदीस है जिल नंबर 2 सफ़ा 222 का दर्ज है, हज़रत अमर बिन शुएब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 औरतें आईं जिन्होंने कंगन वगैरह इनके जेवर पहना हुआ था, तो मेरे नबी ने पूछा कि औरतों आप आपने इन जेवर की ज़कात देती है या नहीं देती, तो उन्होंने कहा कि ज़कात हम तो नहीं देती, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप इन जो जेवर आप लोगों ने पहना हुआ है इनके ऊपर जो ज़कात बनती है वो ज़कात दे।
इन तमाम जो मैंने 6-7 हदीसों को सादा अंदाज में बताया है, इन तमाम अहदीस से पता यह चलता है कि ज़कात देने वाला जन्नत में जाएगा और ज़कात के मामले में थोड़ी सी सुस्ती करने वाला भी बंदा माज़ अल्लाह जहन्नम में जा सकता है। ठीक है, यानी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं उन्हें ज़कात अदा करनी चाहिए। इस मौजू पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि आप हमें कॉल करके अपनी स्किन के मसाइल के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपके जो भी मसाइल हैं, और इस मौजू के ऊपर अगर आपका कोई सवाल आपके जहन में आए, या रमज़ान के मुतालिक, रोज़े के मुतालिक कोई भी सवाल ऐसा है जो आपके आप करना चाहते हैं उलमाए कराम से, उस पर राय लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें। नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, 04232300827। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवालात जो हैं वो पूछ सकते हैं, मसाइल का हल जान सकते हैं। महनूर की जानिब बैठते हैं, डॉक्टर महनूर भी आज हमारे साथ ही हमारी नशस्त का हिस्सा हैं। महनूर, सबसे पहले तो वेलकम। महनूर, ये बताइए कि रमज़ान मुबारक में जैसा कि हम रोज़े से होते हैं और डाइट जो है वो स्किन में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है, तो रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते रखते हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डाइट में ज़रूरी है शामिल होनी चाहिए? अंजला, इसमें यह है कि अगर हम देखा जाए एक मतलब एक एज ए स्किन स्पेशलिस्ट भी अगर मैं आपको गाइड करूँ, एज अ डॉक्टर भी अगर मैं आपको गाइड करूँ, तो उसमें ये चीज़ है कि रोज़ा रखने के हमारी जिल्द के ऊपर जो है वो अच्छे असर आते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो रही होती है आपकी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो है ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारे यहाँ रमज़ान का एक कंप्लीट महीना होता है जिसके अंदर जो है वो हम फास्टिंग को पूरा लेके चलते हैं। लेकिन देखें आप, बहुत से जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं वहाँ पे जो है इंटरमिटेंट डाइटिंग को जो है वो प्रमोट किया जाता है फॉर बेटर स्किन एंड फॉर बेटर ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन। ऑल्सो इसके साथ बहुत सारे जो आपके सेहत के मसाइल भी हल होते हैं जो कि आपकी जिल्द के ऊपर नॉर्मली बुरे असर डाल रहे होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसमें हम अगर इसको सही तरीके से हम फास्ट करें कि हम पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा फ्राइड, उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर का इंटेक करने वाली चीज़ें ना लें, तो वो हमारी जिल्द के ऊपर अच्छा असर डालती हैं। कि अगर हम हेल्दी वे में फास्ट करें, जैसे पानी का इंटेक प्रॉपर करें, फाइबर्स लें, फ्रूट्स अगर बहुत ज़्यादा नहीं आप ले सकते तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी चाट ही लें, कोई अच्छा न्यूट्रिशनस फ्रूट जो है वो आप ले अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो कि वो आप ले लो साथ में अफ्तार के टाइम, तो वो आपको जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देगा। दूसरा ये कि आप अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है वो हमारा रमज़ान में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करें अगर, तो उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे जो हमारा ये होता है कि हम लेट नाइट जाग के सुबह सहरी करके ही सोते हैं, अगर हम उस चीज़ को थोड़ा जितना हमारे नॉर्मल हैबिटुअल उसके अंदर डेवलप कर लें कि थोड़ा सा टाइमली अपने जो है वो बेड टाइम करें और उसके बाद जो है वो सहरी के लिए दोबारा उठ के और फिर उसके बाद हम उसको कैरी ऑन करें, तो काफ़ी अच्छा उसके असरात होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एक तो अपनी रूटीन ठीक करें, ठीक है, दूसरा ये कि आप जो है वो जंक या ऑयली या इस तरह की चीज़ें ना लें जो कि आपकी सेहत पे मुज़र असरात डालती हैं। हेल्दी वे में अगर लेते हैं तो रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिल्द के लिए, क्योंकि ये आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है, आपके जो है वो ऑर्गन्स को जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो ओवरलोडेड नहीं होते, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है, उससे भी आपकी जो है वो ज़ाहिर है जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्किन से एलिमिनेट होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है अगर हम देखें तो नॉर्मली स्किन के ऊपर बहुत अच्छा असर है। और मैंने जिस तरह बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग जो हैं वो इस चीज़ को प्रॉपरली इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू जो है वो अपने लाइफस्टाइल के अंदर ले के आते हैं ताकि ये कि वो उस चीज़ को उसके बेनिफिट उठा सके। ठीक है, एक तो ये महनूर, एक तो आपका वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा देता है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, उसके अलावा स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बॉडी आपकी मुसलसल डिटॉक्स हो रही होती और है। आपको मैं ये बताऊं कि उनजला अगर हम वेट लॉस की बात करें तो आपके स्किन के, ठीक है महनूर, वेट लॉस पर हम ज़रूर बात करेंगे, इस पर बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं नाज़रीन की जानिब से, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आप यहीं रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। रमजान करी।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हम बहुत ही खूबसूरत कलाम सुन रहे थे महबूब खान फरीदी साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको पेश किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मौजू की तरफ एक बार फिर से आते हैं, अलामा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अलामा साहब अगर आप इस चीज़ पर रोशनी फरमा दीजिए, एक तो कि ज़कात लेने के हकदार कौन है, मुस्तहक कौन है, और फिर हम ये देखते हैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हम अगर देखें हुकूमती ऐवानों से लेकर अवामी हलकों तक हम कोई भी चीज़ सदका या खैरात करते हैं उसकी तशहीर बहुत ज़्यादा की जाती है, यानी सदका और ज़कात एक ऐसी चीज़ है जो कि खालिस अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर तशहीर करने के बाद उसकी वो फजीलत, वो बरकतें क्या बाकी रह जाती हैं, ज़रा इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए। ज़कात के मुस्तहकीन जहाँ तक हैं, मसारफ़ ज़कात, मुस्तहकीन ज़कात, कुरान मजीद में खुदावंद मुताला ने फरमाया कि किन को ज़कात दी जा सकती है। सबसे पहले तो जो हैं गरीब, मिस्कीन, मोहताज, फ़कीर, इब्नु सबील, यानी ऐसा शख्स के जो किसी मुसाफरत में है और वहाँ पे ज़रूरतमंद हो गया, अगरचे वतन में तो वो सैब इस्तेतात है लेकिन सफ़र में जनाब उसके पास हाथ ज़ादेरा ख़त्म हो गए तो उसे ज़कात दी जा सकती है। ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है, ये सब कुरान मजीद की आयत में इनका आया है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो ज़हरी तौर पर मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो इस्लाम की तरफ रग़बत रखते हैं और जब इस्लाम की बातें सुनते हैं तो उन्हें वो अच्छी लगती हैं कि अगर उनको ज़कात दी जाए तो वह इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। अब दो चीज़ें आपने दूसरा जो सवाल किया और उसमें कम अज़ कम ज़कात में ये एक बात देखनी होगी कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं कम अज़ कम वो ज़कात ले के ख़ुद हराम पे ना खर्च कर दे। मुस्तहिक अगर है, मुस्तहिक है, गरीब है और इस तरह उसको देनी भी चाहिए, लेकिन वो ज़कात लेने वाला भी कम अज़ कम इस तरह को जो अपने वाजिबात व फ़रैज़ को अदा करता हो। अब हम अपने एक फरीज़ अदा कर रहे हैं, वो नमाज ही नहीं पढ़ता, वो अलाल एलान जनाब अली शराब पीता है, वो दूसरा करता है, तो ऐसे बंदे को ज़कात नहीं दी जा सकती। दूसरा आपका जो सवाल है कि आया दिखा के देनी चाहिए, पोशीदा देनी चाहिए, तशहीर है, इसमें वही कि जिस तरह पहले बात हुई है कि सदका दो तरह के हैं, एक है वाजिब सदका, एक है मुस्तहब या सुन्नत सदका। ये ज़कात जो है ये वाजिब सदकात में है, तो जो तो है मुस्तहब या सुन्नत सदका, जिसलिए अभी हमारी इस इस्तेलाह में नफली कहा जा रहा था, उसके बारे में रिवायात में और अहादीस में ये है कि इस तरह से पोशीदा दो कि एक हाथ से आप अगर खैरात सदकात दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, यानी उसकी तशहीर करना जायज़ नहीं है। जिस तरह आजकल हमारे यहाँ जनाब अली के वो रुपए जनाब 500 दिया जाता है तो वीडियो फिर उसको अपलोड करो, ये करो, वो करो, जनाब तस्वीरें बनाओ, आटा दिया, खैरात दिया जा रहा है, तो ये इस तरह के जो सदकात और खैरात हैं इनकी तशहीर के बारे में ममानियत है। दूसरा है वाजिब सदका, जिस तरह ज़कात है, फितरा है, इस तरह के जो हैं उनके बारे में ये है कि उनकी अगर तशहीर भी हो जाए तो कोई वजह नहीं। उसकी वजह क्या है, ये है कि इस वजह से दी जाए कि जो लोग अपने फ़रैज़ अदा नहीं कर रहे, वाजिबात अदा नहीं कर रहे, ज़कात नहीं दे रहे, फितरा नहीं दे रहे, उनके सामने उसको तशहीर किया जाए ताकि उनके अंदर रग़बत पैदा हो कि हमने भी ये अपना वाजिब फरीज़ा अदा करना है। तो इस वजह से बाज़ रिवायात में ये भी है और बाज़ में ये है। और तशहीर तो किसी चीज़ की भी, अगर ये है कि अब इनमें फिर दोनों में नीयत का ताल्लुक आ जाएगा, जो मुस्तहब है, सुन्नत है, उसमें भी नियत का तलक वाजिब ही, अगर ये वाजिब ही तशहीर के लिए किया जा रहा है कि मुझे लोग कहें बहुत बड़ी ज़कात देता है, मेरा लोगों में नाम हो जाए, तो फिर कतअन ये भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ये है कि लोगों के अंदर तरगीब पैदा हो तो फिर उसमें कोई अरज नहीं है, क्योंकि दिखलावे की कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। जिस तरह के ज़कात से भी अफजल इबादत करते हैं नमाज है, तो नमाज के मुतल्लिक खुदावंद मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फ़वाइलुल्लिल्मुसल्लीनल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, कि जहन्नुम में ऐसे नमाजियों के लिए जो दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो ज़कात जो है इसके बारे में और सदक़ात के बारे में अगर तशहीर न की जाए तो बेहतर है, और अगर इस वजह से तशहीर की जाए लोग कहें तो फिर बिल्कुल वो ठीक नहीं है। और ज़कात ज़रूर हमें रमज़ान में, जैसे आपके पहले सवाल था कि रमज़ान में ज़कात बाद अजनास जो हैं उनमें ज़कात एक मरतबा, जैसे ही वो जिन्स तैयार हो जाती है ज़कात है, बार बार उसमें नहीं है कि इसमें ही जनाब रमज़ान में ही दी जाए। अलबत्ता जब वो चीज़ कोई निसाब को पहुंच जाए उस वक़्त उसके ऊपर ज़कात देना वाजिब है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने इसको बयान किया। पीर साहब अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि जो ज़कात सदक़ात हम देते हैं
उसका एक तो अजर क्या रखा गया, और फिर ये कहा जाता है कि ज़कात अदा करने से आपका जो माल है वो पाकीज़ा हो जाता है, यानी एक तरह से फ़िल्टर हो जाता है और माल बढ़ता है, तो वो कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं जो हमारे माल को पाकीज़ा कर देते हैं? जी बिल्कुल, जो ज़कात देने वाला है उनका तो बरोज़े क़यामत जो मामला है वो शहीद के साथ होगा, और जो शहीद है उसकी एक आरज़ू होती है कि मैं बार बार दुनिया में जाऊँ और बार बार अल्लाह के राह में शहीद हूँ, क्योंकि वो उस वक्त अल्लाह का दीदार करता है जब उसकी जान निकलती है। तो ये तो है उस ज़कात देने वाले की फजीलत, बरकत, अहमियत। साथ ये देखिए कि ज़कात देते वक्त हमें ये देखना चाहिए किन को दे सकते हैं शरी नुक्ता और किन को नहीं दे सकते, हम अपनी माँ को, बाप को, हम उनकी जो औलाद है उनको नहीं दे सकते, हम अपनी नानी, नाना, दादी, दादा को नहीं ज़कात दे सकते, और जो बच्चे होते हैं जो घर में खानदान होते हैं, और बाद लोगों ने इस पर लिखा है कि बाद बहन भाइयों को ज़कात दी जा सकती है, और बेहतर यह है कि आप वैसे उनकी खिदमत करें, बाकी जो ख़ानदान में लोग होते हैं जो करीबी कज़न होते हैं उनको ज़कात दी जा सकती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ज़कात के वक्त देते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले अपने ख़ानदान को देखें, ख़ानदान को पहले, बाद में अपने हमसायों को देखें, मोहल्ले को देखें। शरीयत ने यह कहा है कि ज़कात अपनी बस्ती में सबसे पहले दी जाए। मैं इंतहाई माजरत से उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जिनके पास कई सालों की ज़कात का पैसा अभी तक भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर लोग उन्हीं को देते हैं, तो मेरी इस हवाले से गुजारिश है कि नए जो इदारे बन रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको ज़कात दी जाए। साथ ये देखिए कि जो हम पैसा कमाते हैं, अगर मेरे इस्तेमाल में 10 घर हैं या 10 गाड़ियां हैं तो उनके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन मेरे जो मेरी 10 गाड़ियां हैं या 10 घर हैं वो, और वो किराए पे हैं, जो किराए की मद से पैसा इकट्ठा होगा उसके ऊपर ज़कात होगी। ज़कात बुनियादी तौर पे इसका ये भी मकसद है कि ज़कात देते वक्त आपने किसी को मालिक बनाना होता है, और ज़कात देते वक्त बिल्कुल बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात के पैसे हैं। असल में आपको ये पता होना कि ये बंदा मुस्तहिक है, उसको बताना ज़रूरी नहीं है। ज़कात हम हॉस्पिटल में जो होता है, हॉस्पिटल की जो मशीनरी वगैरह होती है, बाद हमें सवाल किया गया कल कि जिस सड़क हमने बनानी है तो वो उस वहाँ ज़कात लग सकती है, नहीं लग सकती, वहाँ ज़कात नहीं लग सकती, क्योंकि वो मलकियत किसी की नहीं है, उस तमाम लोगों का इस्तेमाल की जगह। तो ज़कात देते वक्त हमें मालिक बनाना होता है। अब देखिए कि जो पहले भी बात हुई, जो बकरियां हैं, अगर किसी पर जानवर हैं तो 40 बकरियां अगर किसी बंदे के पास हैं तो उसके ऊपर एक बकरी उसने ज़कात देनी है, और उसके बाद एक 40 के बाद 80 तक भी चली जाएं, 119 तक भी चली जाएं तो ज़कात नहीं है। 120 बकरियां दोबारा, यानी कि डबल होते दो बकरियाँ उसने ज़कात देनी है। इसी तरह अगर 30 गायें किसी ने अपने पास रखी हुई हैं तो एक बछड़ा उसने देना होता है जो 2 साल का कम से कम हो, और इसको फिर 40 पे आगे ले जाएं। 5 ऊंट अगर किसी के पास हैं तो 5 ऊंट जब किसी के पास हो, उसका मतलब ये नहीं एक ऊंट उसने नहीं देनी कुर्बानी, उसने एक बकरी का बच्चा देना होता है, यानी बकरी या बकरा, लेकिन बकरी या बकरा की जो उम्र है वो 1 साल होने चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ मशहूर ये है कि जी ज़कात जो है रमज़ान में दी देनी चाहिए या फ़र्ज़ होती है आम लोगों के अंदर, तो ऐसा नहीं है। ज़कात जो है वो पूरा साल मुकम्मल होने पे होती है। ज़कात एडवांस भी आप अपने खाते से दे सकते हैं, यानी कि आप कोई ज़रूरतमंद आया है तो आप हिसाब रख लें कि ये मैं ज़कात अभी एडवांस इसको दे, तो जब पूरा साल माल के ऊपर हो उसके ऊपर भी ज़कात दी जा सकती है। और साथ में यहाँ ये भी नुक्ता कर दूँ कि जो सामान पड़ा होता है ना जी अपने आपकी मलकियत में, किसी कारखाने में, और जो मिल ओनर्स होते हैं उस माल के सामान के ऊपर भी ज़कात होती है, ये कितनी मालियत का पड़ा हुआ है। एटीएम के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, अभी सर बात कर रहे थे, एटीएम के अंदर पैसा ज़्यादा है जो मकदार हमने बताई है तो उसके ऊपर भी ज़कात होगी। कैश घर में पड़ा हुआ है, पैसे की सूरत में है, नोट की सूरत में है, करंसी की सूरत में है, तो उसके ऊपर भी ज़कात होगी। ठीक है, ठीक है पीर साहब, आपने बड़ा खूबसूरती से इसको बयान कर दिया, और यही मैं भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब सदका और खैरात आप करते हैं तो ये एक नेकी का अमल होता है, ये खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाता है, तो किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें, तशहीर उसकी ना करें, लोगों को अजियत ना दें,
सफ़ेद पोशी का उनका जो भरम कायम रहता है उसे बरकरार रखा जाए। डॉक्टर महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। महानूर, इससे पहले आपने बयान कर दिया कि रोज़ा वैसे तो आपकी स्किन को भी डिटॉक्स कर रहा होता है और आप जिस इंसानी जिस्म के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं जो रोज़ा रखने से हम हासिल करते हैं, ये बता दीजिए कि एक तो हम डाइट में कौन कौन सी चीज़ें लें, और उसके अलावा हमारे पास कॉलर थी लाहौर से हुमैरा, वो ये जानना चाह रही हैं कि जब बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद रंग के कुछ निशानात आ जाते हैं वो क्या होता है, उसकी फिर जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें कि वो मसला हल हो जाए। अच्छा, उसके अंदर ये है कि बच्चों के अंदर नॉर्मली ये मल्टी जो आजकल के बच्चे आप देखें ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड खा लिया, चिप्स खा लिए, चॉकलेट्स खा ली, ज़्यादातर जो हमारा वो वाली खुराक नहीं लेते वो, हाँ। जो कि आमतौर पे घर में बनाई जाती है, तो जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मल्टीपल डेफिशिएंसीज जो हैं वो आ जाती हैं और आपके अपने ही बॉडी के सेल्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के डिफरेंट हिस्सों के ऊपर निशानात जिसमें आपके एंटी जो मेलानिन है बेसिकली वो कम होना शुरू हो जाता है, डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर हम इसके इलाज की तरफ जाएं कि क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो नॉर्मली हमें वो ट्रीटमेंट्स इसके ऊपर टॉपिकल हमारे पास बहुत ओवर द काउंटर जो हैं वो क्रीम्स या मेडिसिन अवेलेबल होती हैं विच कैन बी अप्लाइड, जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं जो आप डॉक्टर से गाइडेंस लेके अपने बच्चे को दिखा के ताकि वो आपकी बच्चे की उम्र के मुताबिक उसकी कंडीशन के मुताबिक उसको वो चीज़ गाइड कर दे। इसमें तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, फिजिकल चेकअप ज़रूरी है उसके फिजिकल चेकअप, लेकिन ये हाँ कि अगर उसमें आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो नॉर्मली आपको एंटीफंगल या जो है वो स्टेरॉइड्स का कम्बिनेशन देंगे, जिससे ये होगा कि वो आपकी स्किन जो है वो सेटल हो जाएगी और उस स्पेसिफिक एरिया में जो आपके सेल्स अगेंस्ट द बॉडी वर्क कर रहे हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है। महनूर, बहुत शुक्रिया, इस पर दोबारा भी आते हैं, अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। हमारे साथ हमारे उलमाए कराम मौजूद थे, आपके सिर हासिल गुफ्तगू का अलामा साहब बहुत शुक्रिया, पीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर महनूर हमारे साथ मौजूद थी, महनूर आपके हाल ची का भी बहुत शुक्रिया। अलामा साहब, जाने से पहले एक सवाल है आपसे जो कि राबिया अंसर वाकेंट सिंह का ताल्लुक है, एक अवामी सवाल लेकर आई हैं, वो ये जानना चाह रही हैं कि दुनिया भर में ही रमज़ान का महीना जैसे ही आता है तो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर सब्सिडी दी भी जाती है तो उसका हुसूल इस कदर मुश्किल बना दिया जाता है कि वो नामुमकिन सा महसूस होता है, तो इस तरह की सूरत हाल में क्या हुकूमती जो हलके हैं उनसे कोई पूछगछ होगी, वहाँ पर कोई सवालात उनसे किए जाएंगे, क्या कहते हैं? यकीनन एक ही जुमले में मैं इसका जवाब दूँगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जब ज़हरी पर दौरे हुकूमत था, उन्होंने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरी हुकूमत में कोई एक गैर मुस्लिम औरत भी रात को भूखी सो जाए तो मैं अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन जवाब दे हूँ। तो साफ ज़ाहिर है कि यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके इक्तदार में, उनकी हुकूमत में जनाब अली हर बंदा उसको जनाब कम अज़ कम सिर्फ रमज़ान में यह सब्सिडी ना दी जाए बल्कि पूरे साल में कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि गुरबा तक उनका हक पहुँचता रहे। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। पीर साहब, अख्तिताम पर अगर आप आज का वजीफ़ा भी बयान करें। जी, वजीफे से पहले हमारे बहुत बड़े आलम दीन, आज उनका इंतकाल हुआ है, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब, कल उनका जनाजा है गुजरात शहर में। पीर अफजल कादरी साहब के बारे में सिर्फ दो जुमले, पीर साहब माशाल्लाह ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है इसके भी बानियों में शामिल हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी बानियों में शामिल हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान तहरीक में उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, जेलें भी काटी, नमूस रसालत के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनका बहुत बड़ा इदारा है गुजरात के अंदर, पूरे मुल्क में इनके नेटवर्क फैला हुआ है। आज का जो वजीफ़ा है वो या करीम हो, या करीम हो, जो लोग माली मुश्किलात के परेशान रहते हैं, तंग दस्त रहते हैं, जिनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, पता नहीं चलता बरकत पैसा आता है जाता कहाँ है, घर में बेबरकती होती है, तो उन लोगों के लिए दरख्वास्त है कि वो हर रोज़ मगरब की नमाज़ पढ़ के उसी जगह के ऊपर बैठकर या करीम हो 1001 दफ़ा पढ़ें, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें हल करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने ये वजीफ़ा बनाया और आपके सिर हासिल गुफ्तगू को भी बहुत शुक्रिया, और अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके तशरीफ आवरी का एक बार फिर शुक्रिया, और डॉक्टर महनूर आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं हमारे किचन में, फ़ाइज़ा मौजूद हैं और फ़ाइज़ा जो हैं वो तैयारियाँ कर रही हैं इफ्तार की। फ़ाइज़ा,
पास्ता बना रही हैं आप, इसके अलावा मॉल्टन लावा भी हमारे पास आज मेन्यू में मौजूद है। कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ, क्या क्या बन चुका है? तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और तैयारी कंप्लीट करने के साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। हमारे पास कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ जो है मॉल्टन लावा की रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपके साथ ड्रिंक की एक रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे है, पीनट बटर शेक। पीनट बटर शेक बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी कैरमल सॉस, और मैं वैसे आपके साथ सिंगल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, सिंगल रेसिपी बता रही हूँ आपको, आप इसको डबल करना चाहें, आप जितने भी ग्लासेस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम जो है ना वो कैरमल सॉस है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पीनट बटर। पीनट बटर वैसे मार्केट में 2 से 3 तरह का अवेलेबल होता है, आपको कौन सा पसंद है? कौन सा यूज़ कर रही हैं? मैं वैसे चंकी यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़े से चंक्स आने चाहिए पीनट्स के इसमें ना, तो ये 20 ग्राम के करीब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे कौन सा बेहतर रहता है, चंकी ठीक रहता है या आप कोई और भी यूज कर सकते हैं? आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको पीनट्स पसंद हैं तो आप इसमें चंकी यूज करें, अगर आपको पीनट्स पसंद नहीं है तो आप स्मूथ और क्रीमी यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नट्स अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ लोगों को खाने में नट्स अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 400 ml के करीब दूध है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 scoops ऑफ वनीला आइसक्रीम। आप इसमें कैरेमल आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और मैं इसमें इसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ शामिल कर रही हूँ, आपके लिए थोड़ी सी कम बर्फ़ शामिल करूँगी ताकि आप मुझे याद हो गया, और क्योंकि ऑब्वियसली मैं शेफ़ हूँ और हमें जो है ना वो कस्टमर की या फिर जो हमारे से खाना खा रहे हैं या उनकी चॉइस का हमें ख्याल रखना होता है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ब्लेंड करते करते आपके साथ मैं मोल्टन लावा की रेसिपी ज़रूर शेयर कर लूँगी। मेरे पास मोल्टन लावा बनाने के लिए 200 ग्राम के करीब जो थी ना वो मेल्टेड चॉकलेट थी, चॉकलेट आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। उसमें 150 ग्राम बटर ऐड करें, 3 अंडे की जर्दियाँ, 4 अंडे आपने होल एग्स लेने हैं, उसमें जर्दियाँ अलग से शामिल करनी है। 150 ग्राम मैं उसमें फ्लावर शामिल करूँगी और 150 ग्राम भी उसमें पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी। अगर आप चाहें उसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए तो उसमें कोको पाउडर या कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, और इनको कप्स में डालने के बाद आप 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 11 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे तो ये बहुत ही मज़े का मोल्टन लावा जो है कि आपके पास तैयार हो जाएगा। मैं अभी आपको इसको कट भी करके दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने ग्लासेस के अंदर जो है ना वो शेक को फिल कर लूँ। पीनट बटर शेक जो है वो भी हमारा रेडी हो गया है। ऐसा प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होती है और ये बड़ी मैटर करती है किसी भी फूड में, खाना ऑब्वियसली अगर हम खाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने वैसे इसको काफ़ी देर पहले बेक किया था, चलें फिर भी मैं कट कर लेती हूँ। चले और फायदा साहब, बहुत सारे लोग जो मॉल्टन लावा बनाते हैं उनका इस तरह से चॉकलेट जो है वो ज़रा ज़्यादा सेगी हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए क्या है, ज़रा कुछ टिप्स तो बता दीजिए कि मतलब क्या उसमें टाइमिंग का ख्याल रखें आप बेकिंग करते हुए? बेकिंग करते वक्त मॉल्टन लावा की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपका टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़्यादा बेक हो जाएगा, कम रह जाएगा तो ये मॉल्टन लावा जो है ना ये इसकी प्रॉपर शेप नहीं बनेगी, और ये हम जब कट करने से पहले ही जो है ना इसमें से चॉकलेट बहना शुरू हो जाती है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग का ख्याल रखें, टेम्परेचर्स का ख्याल रखें, अच्छा अच्छा खाएँ, अच्छा अच्छा जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल करें, इंग्रेडिएंट्स अच्छे अच्छे इस्तेमाल करें और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। ठीक है, आज हमारे पास अफ्तार में पीनट बटर शेक है, उसके अलावा मॉल्टन लावा है, और फायज़ा ने बहुत ही यमी सा बहुत मज़े का पास्ता भी बनाया है। इसके अलावा नाज़रीन के साथ शेयर करें कि रूह अफ़ज़ा जो है वो आप ज़रूर अपने अफ्तार में शामिल करें, क्योंकि रूह अफ़ज़ा एक ऐसी ड्रिंक है कि जब आप वो पीते हैं तो इसे मशरूबे मशरक भी कहा जाता है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 35 से ज़ायद कंट्रीज़ में ही बहुत पसंद किया जाता है। और जब आप अफ्तार में इसकी इंटेक करते हैं तो अफ्तार के बाद जो हमें लेजीनेस फील हो रही होती है, हम थोड़ा ड्राउजी फील करते हैं, वो सिचुएशन नहीं रहती है और हम एकदम से बूस्ट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। फायज़ा आपको ऐसा फील होता है, आप इस्तेमाल करती हैं रूह अफ़ज़ा? मैंने आपसे कहा मैं बचपन से इस्तेमाल कर रही हूँ, कल भी मेरे से आपसे डिस्कशन हुई थी कि हम बचपन से रूह अफ़ज़ा पीते आ रहे हैं, जब तक रमज़ान में या रोज़े में रूह अफ़ज़ा नहीं होगा वो आप इंजॉय नहीं करते, मज़ा नहीं आता, फीलिंग नहीं आती रमज़ान वाली। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रोज़ा कुशाई के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे हमारे पास पहुंच चुके हैं, आज वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रोज़े से हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उनका रोज़ा कैसे गुजरा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, रोज़ा रखा है आपने? पहला रोज़ा है आज? नो, आज दूसरा। दूसरा रोज़ा है, कल भी आपने रोज़ा रखा था, माशाल्लाह। कैसा गुजरा आपका रोज़ा कल?
सही गुजरा है। फिर आज अफ्तारी में कोई आप फरमाइश की है अम्मी से कि ये बनाना है या ये नहीं बनाना, क्या पसंद है आपको अफ्तारी में, क्या खाना पसंद है? अफ्तारी में समरकंद सही लगता है बस, और कोई नहीं, फ्राइज चिकन कोई दिल नहीं करता, मामा को तंग नहीं करते ज़्यादा, अच्छे बच्चे हो इसका मतलब। सहरी में क्या खाया था आपने? सहरी में मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने दही के साथ खाना खाया। दही के साथ खाना खाया, फिर रोज़ा तो नहीं लगा ना ज़्यादा आपको? नहीं। चले अच्छा रोज़ा गुजरा है, कल भी अच्छा गुजरा था, आज भी अच्छा गुजरा है। चलें इंशाल्लाह आपसे कुछ देर बाद अफ्तार होता है, फिर मुर्तज़ा हम अफ्तार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? फहद अली। फहद कौन सी क्लास में आप? मैं सिक्स। सिक्स में। फहद रोज़ा रखा है आज आपने, कैसा रोज़ा कैसा गुजारा है आपका? बहुत अच्छा गुजारा, मौसम ठंडा ठंडा था, मौसम अच्छा है, इसलिए लास्ट ईयर रमज़ान में थोड़ी गर्मी थी, आज ज़रा मौसम जो है वो अच्छा है, इस वजह से अफ्तार कुछ। अब माइक पकड़ लो फहद। अच्छा फहद कौन सी क्लास में? सिक्स में हो आप। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, पढ़ना अच्छा लगता है या जान छुड़ाने वाले बच्चे हो पढ़ाई से? मैथ अच्छा लगता है। अच्छा बड़े कम लोगों को, वैसे बड़े कम बच्चों को मैथ पसंद होता है, फहद को मैथ पसंद है। अच्छा तो फहद कोई नाच सुनाएंगे आप, कोई कलाम सुनाएंगे हमें? हाँ तो नाच नहीं आती। अच्छा चलो ठीक है, हम मुर्तज़ा से सुनते हैं। मुर्तज़ा आप मुझे बता रहे थे कि आप तिलावत करना चाह रहे हैं, तो चलें तिलावत आप सुना दीजिए हमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम युलद, وَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے تلاوت کیا ہے مرتضیٰ۔ اس کے علاوہ بتائیے آپ کو ویسے شوق ہے قاری بننے کا، اور آگے کیا بننا ہے بڑے ہو کے، کیا دل کرتا ہے کہ کیا بننا ہے آپ نے؟ بڑے ہو کے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ سبجیکٹس کون سے پسند ہیں پھر آپ کو؟ سبجیکٹ مجھے انگلش اور سائنس پسند ہے۔ اچھا سائنس تو چلے ریلیونٹ سبجیکٹ ہے آپ کو پسند ہے۔ ڈاکٹر آپ نے کس سے انسپائر ہوئے ڈاکٹر بننے کے لیے، کیوں سوچا ایسے، کچھ اور کیوں نہیں سوچا؟ डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं इसलिए मुझे सही लगता है। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों की जान बचाते हैं, इसलिए मुर्तज़ा को जो है वो डॉक्टर बनना है। तो ये मुर्तज़ा हमारी जानिब से आपका आपके लिए छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको पहले रोज़े की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये फहद अली आपके लिए हमारी जानिब से बहुत शुक्रिया आप लोग की तशरीफ़ आवरी का। तो नाज़रीन शहर लाहौर में रहने वाले बासी दाता नगरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अब से कुछ देर बाद ही अपने दूसरे रोज़े को अफ्तार करेंगे, और यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपको लिए चलते हैं कराची, आपको दिखाते हैं कि कराची में रहने वाले लोग अभी क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और किन चीज़ों की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान करीम, रमज़ान।